हाय फ्रेंड्स, रोजगार विज्ञान चैनल आपका स्वागत करता है। और देखिए, हम डेसिमल्स पे चल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि हम जोड़ घटाने गुणा तीन चीज बहुत आसानी से कर पाए थे। तो बेसिक्स में उन्होंने वो चीज बता दी थी, बस उसका गुणा का रिकैप मैंने यहाँ दिखाया है। इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि हमने गुणा कैसे की थी, और वो तो आपको आती ही होगी, है ना, अगर आपने वो वीडियो देखा है। तो ये गुणा बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट्स को भूल जाइए, आप जो भी पॉइंट लगे हैं, बस आप 6 देखिए, 25 देखिए, 24 देखिए, इन 6, 25 और 24 की गुणा कर लो। 25 सिक्के 150 पॉइंट, अभी मैं नहीं देख रहा, तो 150 और 24 की गुणा, ऐसे ही तो करते हो ना आप। तो 24 0 0, 24 5 120, 24 1 24 और 12 3600 ये आएगी गुणा। किस किस की? 6 25 और 24 की। अब पॉइंट की बात आती है, तो पॉइंट बाद में गिनते हैं। 2 अंक बाद इसमें है, 1 अंक इसमें, टोटल कितने अंक बाद हो गया? 3 अंक बाद। इसमें है ही नहीं तो इसमें 0 अंक, तो टोटल कितने अंक बाद पॉइंट? 3 अंक बाद। 3 अंक बाद आप यहाँ पर लगा देंगे तो इसका आंसर आप 3.600 बोलोगे क्या? नहीं, 3.6, उन जीरो का तो कोई अर्थ नहीं होता, बाद में तुम 10 जीरो लगा दो चाहे इसके बाद, तो 3.6 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कितनी सिंपल होती है गुणा, आप देख रहे हैं। ठीक है, नीचे भी मैंने गुणा के और भी सवाल लिखे हैं, तो अभी और क्लियर हो जाएगा। जो मुश्किल गुणा होती है, देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने इसमें लिखे हैं जिनमें अक्सर हम लोग अटकते हैं, और हैं सब गुणा भागी। आप देखिए, पूरी टेबल देख लीजिए नीचे तक, पूरी टेबल आपको एक बार दिखा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ इसके, ताकि आप धन्य हो जाए और फिर ये वीडियो पूरा देखें, है ना। तो आप थोड़ी सी ये वीडियो बढ़ी जा सकती है, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको समझाना है ना। तो लेकिन आप ये निश्चित है कि आपने ये पॉइंट का ये पहला और ये दूसरा वीडियो देख लिया तो आपको पॉइंट कुछ भी नहीं लगेगा। आप अगर किसी के मन में डर हो कि पॉइंट में जी हम थोड़ा सा अटक जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं अटकोगे, इस बात की गारंटी है ना। तो चलिए अब मैं करता हूँ, पॉइंट की गुणा भी सीख लिए, जोड़ घटाने पिछली वीडियो में सीख लिए, अब मैं भाग सिखाता हूँ आपको। 6.5 में 0.13 का डिवाइड करना है, भाग करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप देखिए, ऐसे भाग का निशान है तो ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब भी आपको भाग करना हो तो आप कभी भी कोशिश करो पॉइंट हटाने की। और पॉइंट हटाने का क्या तरीका है? अगर ऊपर वाला पॉइंट हटा रहे हो तो गिनो कितने अंक बाद था पॉइंट, 1 अंक बाद, तो 10 नीचे लगा दो। और अगर आप नीचे वाला पॉइंट हटाना चाहते हो तो इसकी बदले ऊपर 0 बढ़ेंगे, कितनी? जितने अंक बाद पॉइंट होगा, तो 2 0 ऊपर बढ़ी, 10 नीचे। अब 0 से 0 काट सकते हो, और देखो 13 और 65 है, अब ये पॉइंट तो है ही नहीं, 13 और 65 है, तो अब तो 13 5 65, और 5 ऊपर 10 और बचा, 5 2 50, सीधी गुणा होगी, तो सिंपल हो गया ना एकदम, 50 इसका आंसर आ जाएगा। सेम काम आप यहाँ करोगे तो ऊपर के पॉइंट गिनिए, कितने अंक बाद है ऊपर के पॉइंट? 2 और 2 4 2 6। कई लोग ऐसा करते हैं, ऊपर के गिन लीजिए टोटल 1 7 6, नीचे के गिन लीजिए कितने अंक बाद है, 1 इसमें 1 इसमें, कितने अंक हो गए टोटल? 2। नीचे 2 अंक बाद है, ऊपर 6 अंक बाद है, तो कमी किधर पड़ी? कमी किधर पड़ी पॉइंट्स की? नीचे, नीचे पड़ी ना, जिधर कमी पड़ती है उधर ही 0 लगा देते हैं। कितने की कमी पड़ी? ऊपर 6 थे नीचे 2, तो 4 की कमी है ना नीचे, तो जितनी कमी पड़ी जिस साइड भी पड़ी उतनी ही 0 लगा के उस कमी को पूरा कर दो। ठीक है, तो अब आपको वो पॉइंट, अब ये पॉइंट डायरेक्ट काट सकते हो आप, तो अब ऊपर नीचे 0 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाए तो ऐसा कर लीजिए, ऊपर के पॉइंट्स अलग गिन लीजिए, नीचे के टोटल अलग गिन लीजिए, पर शर्त ये है सबके बीच में गुणा का निशान है ना, तभी गिन पाओगे। तो नीचे 2 अंक बाद, ऊपर 6 अंक बाद, नीचे कमी रही 4 की, तो नीचे 4 0, समझ में आ गई होगी ये बात। अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में, 1344 और नीचे है 21 7 के 21, तुम 7 और 3 ही रहने दो इसको, 7 से काट दो पहले, अब ये पॉइंट तो है ही नहीं, ये 0 0 तो क्या है, कुछ नहीं, 7 1 7 6 64 हो जाएगा, 7 9 63, 7 2 94 92 192 हुआ, 3 6 18 3 4 64 बचा, तो 64 में बस इसका भाग देना है। और भाग देने का तरीका दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, जब भी ऐसे भाग देना हो ना 0 का, 64 में 10 का भाग देना है, आज भी अगर ऐसे कुछ लोग करते हो ना, तो 10 6 60
दस छिंग 60, चार बचा पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली, 10 चौक 40, ऐसे आप लोग करते हैं ना, तो ऐसे मत करिए प्लीज, है ना, ये तो सब टाइम वेस्ट है। तो आप इतना तो जानते ही होंगे, अगर एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट आएगा, अर्थात इसका उत्तर क्या आएगा, 6.4। अगर 64 में मैं 100 का भाग दूं ना इस तरीके से, तो क्या आएगा पता है, 2 अंक बाद पॉइंट, 64 में 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ, ठीक है। और अगर मैं इसमें 1000 कर दूं ना, तो कहां आएगा पॉइंट, इसमें तो 2 ही अंक, एक बढ़ा लो यहाँ। तो ऐसे ही आप 64 में 4 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे, क्योंकि ये 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो हैं तो 4 अंक कैसे बनाऊं, बन गए 4 अंक, और ये आपका आंसर। तुम कहो जी कई बार यहाँ शुरू में भी जीरो लगाता है, देखिए ये जो जीरो है इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये सिर्फ सजावट के लिए होती है, सज के चीज अच्छी लगेगी। एक तो लिखता है आदमी 0.5, एक लिखता है 0.5, दोनों बात बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के इधर कुछ भी नहीं लिख रहा ना, और इस पॉइंट के इधर क्या कुछ लिख रहा है, जीरो तो कुछ भी नहीं होता, वैसे भी कुछ नहीं होता, तो ये भी दोनों बात एक ही रही ना, इधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है, तो 0.5 ये रहा 0.5 ये रहा, तो ये सिर्फ सजावट के लिए आती है जीरो, है ना। तो इधर लगाओ या मत लगाओ इसका फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आगे आता हूं चौथे क्वेश्चन पे, तो आप देख रहे हैं इसमें गुणा भी और भाग भी, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि दोनों एक साथ आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा तो आपने बताया ही नहीं, तो उनका कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो आपको बॉर्ड मास के नियम से मालूम होगा कि हालांकि सरलीकरण में मैं बॉर्ड मास पढ़ाऊंगा, पर यहां अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाना। अब कई लोग आपने पूछते देखे होंगे इसको करके बताओ, बहुत लोग जो सिंपल करता है जिसको बॉर्ड मास नहीं पता वो क्या करेगा, 2 2 2 और 2 4 4 2 8, तो इसका उत्तर वो 8 बोल देगा। लेकिन अगर वो इतना सिंपल होता तो आपसे क्यों पूछेगा कोई, तो आप उसने पूछा है तो पहले गुणा होगी, मतलब कुछ लॉजिक है इसमें, और लॉजिक यही है कि बॉर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा होती है बाद में जोड़ होता है, तो 2 2 4 और बाद में 2 जोड़ सकते हो, तो ये 6 आएगा ना कि 8, तो 8 इसका आंसर गलत होता है, 6 इसका आंसर सही होता है, क्योंकि पहले गुणा होती है बाद में जोड़ होता है, समझ में आ गई ना बात। तो पहले भाग होता है बॉर्ड मास में, DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है। तो DMAS का काम ज्यादा है, DMAS बॉर्ड मास, BO ये तो हम आगे बताएंगे इनका काम सरलीकरण में, तो ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, तो पहले भाग कर लिया मैंने, अब ये समझो भाग हो गया। अगर आपने बटे में लिख दिया तो ऐसा नहीं कि पूरा ही काट पीट के जब ये आया, तो अभी नहीं, ये भाग हो गया अगर आपने बटे में लिख दिया है तो 84.5/20 ये भी भाग हो गया ना। अब पॉइंट वाइंट हटा लो आप करना चाहो तो, अब ये गुणा भाग सब साथ ही होंगे, ये तो भाग कर चुके हो तो गुणा होनी है सीधी, तो ऊपर की गुणा कर लो नीचे गुणा फिर भाग दो, उससे अच्छा है ना आपस में काट लो सबको, ये एक अंक बाद है ऊपर भी एक अंक बाद है तो कट जाएगा ना सीधा, एक एक अंक बराबर हो दोनों ऊपर नीचे अंक बराबर हो तो सीधा सीधा पॉइंट काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको काट के दिखाता हूँ और क्या कट सकता है, 3 से 16 बार, 3 से 25 बार, और देखिए 25 से सीधा कट जाएगा, 25 से 75 और 75 नहीं कटेगा भाई, 25 से तो मैं तो फेल हो गया यहाँ पे, तो 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 से देखिए ये काट लेता हूँ 16 5 80 45, ठीक है कट गया। तो अब ये क्या आएगा, अब आप देखिए नीचे 100 है कि नहीं है, 20 ये बच रहा 5 ये बच रहा, तो 16 की 169 में आप गुणा कर लेंगे, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, आप गुणा कर लेना, और नीचे क्या है 100, और 100 का भाग तो सिंपल, आप ऐसे मत काटना, बहुत लोग 4 2 4 4 4 16 4 5 20 है ना इस तरीके से काट लेंगे, फिर इसको और डिफिकल्ट बना लोगे आप 4 से काट के, क्योंकि 25 का भाग देना तो पड़ेगा ना आपको, तो 25 क्या ये, अगर नीचे 100 10 हजार बन रहे हो ना फिर काटे करो मत, फिर सीधी गुणा कर लो, क्योंकि फिर हम पॉइंट लगा देंगे सीधा, यहाँ जो भी कुछ आएगा सिर्फ 2 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे आप, आंसर हो जाएगा। तो मैं बता नहीं रहा हूँ इसको, आप इतना तो कर ही लेंगे, तो 16 169 की गुणा और 100 का भाग देने के लिए सिर्फ 2 अंक बाद पॉइंट। आगे करता हूँ, ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस ने पूछा था कभी 2007 में कि इसकी गुणा क्या आएगी, अब दिल्ली पुलिस ने पूछा है एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन होता है, देखिए उसमें कुछ ना कुछ होता है,
अगर वो सोच के दिया गया है तो अब क्या करेंगे, इन सब तीन देखेंगे, ये सब तीन ही तो है, ये सब तीन ही तो है, ये भी तो तीन है, तो इन तीनों की गुना कितने तीन है, पांच तीन, पांच तीन की गुना तीन थी, नौ थी, सत्ताईस थी, इक्यासी थी, 243, ये सबको पता है कि ऑप्शन में पता है उसने भी क्या दिया था, सारे ऑप्शन 243 243 243, बस क्या फर्क था, सिर्फ पॉइंट का है ना, पॉइंट कितने अंक बाद आएगा वो फर्क था मेन, तो मैं पॉइंट हटा लेता हूं, तो नीचे देखिए ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट है, दो, एक, तीन, तीन छह, बस छह अंक बाद ही तो पॉइंट है, तो नीचे क्या कर दूं मैं, छह अंक बाद छह जीरो लगा देता हूं, सारे पॉइंट खत्म, तीन दो पांच एक छह, तो ये पॉइंट अब आप क्या कर सकते हो, खत्म, खत्म हो गए ना। अब क्या करूं, अब जिसकी देखिए ये तो तीन, ये तीन ही है ना, ये भी तीन है ना, ये भी तीन है ना, ये क्या है, ये तीन बोल सकते हो क्या, नहीं, ये तो तीस है, इसकी एक जीरो काट देगी, काट देगी ना। अब तुम कहो बहुत लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे कि इस जीरो से एक और काट लेंगे या इससे एक और काट, अरे भाई ये तीन है, ये 300 थोड़ी है जो इसको काट लोगे, है ना, इसको तो आप लिखो या मत लिखो, लेकिन ये तो लिखनी पड़ती, ये तो तीस है, तो अब ऊपर सारे तीन बच गए हैं, तो सारे तीनों की गुना 243, और नीचे क्या बच गया है, पांच जीरो, पांच जीरो, तो सीधा क्या करूंगा मैं, 243 में पांच अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, पांच अंक कैसे बनाऊं, ये, तो ये आपका आंसर है, सजाना है तो एक जीरो और लगा दो आगे, ये सजावट हो जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए छठा क्वेश्चन, 0.351.867 प्लस ये करके आपको गुणा दे रखी है, बहुत लोग क्या करेंगे सिंपली, अब ये तीन अंक तीन इनकी गुणा कर देंगे, छह अंक बाद इसमें पॉइंट, इनकी गुणा कर देंगे छह अंक बाद इसमें पॉइंट, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, बात बिल्कुल सही है, उत्तर में बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये गुणा करना आसान काम नहीं है, है ना, तिहरी गुणा है, यहां भी तिहरी गुणा है, तुम कहो जी हम तो कर लेंगे, तो फिर कर लो आप, फिर वेट मत करिए, है ना। तो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, मतलब ऐसी गुणा आई है ना, वो आपको ये चेक नहीं करना चाहता कि आपको गुणा आती है कि नहीं, वो चेक करना चाहता है कि आपने कम टाइम में किया कि नहीं, ताकि आपका और सवालों पे कम टाइम ना पड़े, क्योंकि ये कम टाइम का क्वेश्चन है, गुणा करके आप ज्यादा टाइम का बना दोगे। तो देखिए यहां तक पूरी क्या आई है, एक संख्या, गुणा करोगे तो एक बन जाएगी ना, तो यहां तक क्या है, ये भी एक संख्या है ना, तो गुना बीच में लगा होता है तो समझो एक ही संख्या है वो। तो अब क्या है, इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एक जैसा दिख रहा है क्या, 0.351.351 दोनों में है ना, तो इसी को कॉमन बोला जाता है, जो दोनों में 0.351 को कॉमन कह दीजिए, और कॉमन जब बाहर निकालते हैं तो अंदर की चीज ब्रैकेट में रखते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से निकाल दिया तो 0.867 ही तो बचेगा, यहां ये तो बाहर आ गया, और यहां से ये भी बाहर आ गया, तो पॉइंट क्या बचेगा, 0.133। अब देखिए ये मुझे पहले ही दिख रहा था कि भाई ये कॉमन निकल जाएगा, तो ये दोनों जुड़ के देखिए 867 है और ये 133 है, ये पूरा हजार बन रहा है, तो मुझे दिख रहा था ये जुड़ेंगे ही कहीं ना कहीं, चाहे वो कैसे भी जुड़े, और ये सब चीज ना कॉमन क्या है या ये कॉमन से होगा या नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये चैप्टर पे प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं होता कुछ भी चीज हवा में कि आप यही सोचने लगो कि मैंने वीडियो देखी अब तो मैं कर लूंगा, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो ये सवाल बेटा एक बार जरूर कॉपी पे लिखना, और कॉपी पे लिख के एक बार अपने आप करने की कोशिश करना, जहां अटक जाओ वो वीडियो देख सकते हो, मतलब वहीं पे वीडियो देखना जहां पटक रहे, है ना, पहले एक बार सॉल्यूशन समझ लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, फिर आप देखो इन क्वेश्चंस को क्या किताब का कोई भी क्वेश्चंस लिख लेना फिर, और फिर प्रैक्टिस करना, आप ये कहेंगे कि मैथ तो हमारा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई समस्या ही नहीं है, ही नहीं का मतलब ये नहीं समझना, मैथ आता ही नहीं है हमसे, तो चलिए कभी कभी हो जाता है ऐसा। 0.351 इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे पता है क्या आएगा, जोड़ना सिखाया है ना आपको, तो तीन ये 0.33 इसमें रख देता हूं 133, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, पॉइंट लगा 1.000, तो वन ही आया ना, तो वन की गुना किसी में भी करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 0.351 आंसर।
समझ में आ गई ना बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बिल्कुल सिंपल था ना क्वेश्चन, आप गुणा करते जोड़ते तब भी यही आता है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए ऐसा सवाल आपको आया, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। पहले हम सोचेंगे कोई फॉर्मूला तो नहीं बनना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, पर देखा कि कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। फिर आप देख रहे हैं तीनों में एक चीज कॉमन नजर आ रही है, क्या कॉमन नजर आ रहा है? 4.7। उस 4.7 को अगर बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचने वाला है? 3.23, अगली संख्या 9.43, अगली संख्या बीच में प्लस है तो प्लस ही लगाऊंगा, माइनस होता तो माइनस लगाता, तो 77.34 ये बचता है। आप देखोगे 23, 43, 34 ये सब जुड़ के पूरा एक बन रहा होगा, है ना, और पूरा एक बन रहा है ना, बन रहा है ना, 40, 20, 60 और 66, 66, 34, 1, तो 77, 9 और 13 जोड़ दो और एक फालतू इधर का कर देना, क्योंकि ये 1 रुपया बन गया ना, ये 77 रुपए है वो पैसे थे, तो 77 और 9 मैं कह दू 86 हो जाएगा ना, 77, 9, 86 और 86 में 13 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 99, और 1 रुपया इधर से आ जुड़ेगा तो 100 हो गया पूरा। 4.7 में 100 की गुणा आप कैसे करेंगे? आती है ना आपको गुणा करनी, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, और नीचे 0 बढ़ जाएगी तो 0 से 0 कट जाएगी। 47 में 10 की गुणा 470, कितना सिंपल था, है ना। तो जब भी ऐसे आपको पॉइंट की और इस वाले में गुणा करनी हो, या तुम ये कहो जी हम तो 47 की 100 में कर लेते, 4700 आ जाता और पॉइंट एक अंक बाद लगा देते तो 470.0 हो जाता। बिल्कुल सिंपल, आपकी मर्जी है, जैसे आप मर्जी के मालिक है, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बस आपको सीखना है जिस भी तरीके से आप सीखें। अब मैं 8वां क्वेश्चन पर आता हूं, आप देखिए इसको। अब आपको क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है इसमें? 3.25, 3.20, 3.20, 3.05। हाँ देखिए कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा था, लेकिन कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन? अब तुम कहोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लग रहा ना, 3.25, 3.25 दोनों तरफ होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की कोशिश कर लेता, पर ये सब प्रैक्टिस से आएगा ना, तो प्रैक्टिस आपको करनी है, और वो एक बार आप जरूर कर लेना इनको, वरना पॉइंट समझने का जरा भी आपको फायदा नहीं होने वाला है अगर आपने इनको एक बार अपने हाथ से नहीं निकाला तो, है ना। आप मेरी इतनी बात तो मान ही सकते हो। फिर आप देखना आपके मैथ में एक अजीब सा एक मतलब उफान सा आ जाएगा कि आपको तो मैथ आने लगा, इतनी अच्छी बात लगेगी ना। चलिए 3.20 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 3.25 माइनस 3.05। देखिए मैं मैथ उन्हीं लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, कोई कई होशियार लोग देख रहे होंगे ना, तो वो सोच रहे होंगे अरे हम पे तो आते यार, फिर मैं क्यों देखूं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ होशियार लोग मेरे वीडियो से बच के रहो यार, है ना, वो अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सीखना है और हमें ये कोई चीज नहीं आती, तभी आप मेरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं थोड़ा बेसिक से लेके चलता हूँ ताकि बच्चे को किसी को भी प्रॉब्लम ना हो जो मेरी वीडियो देखे, है ना। तो अब देखिए 3.20 कॉमन आ गया तो अंदर यही तो बचेंगे, 3.25 माइनस 3.05, 0.064, नीचे तो कोई छेड़ा ही नहीं है। अब 3.20 गुना इन दोनों को अगर घटाओगे ना, घटाना तो आपको आता है पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, तो फिर पता है क्या बचेगा? 0.20। इस जीरो को लगाओ या मतलब वो तुम्हारी मर्जी है, इसको भी मत लगाओ, इसकी भी क्या जरूरत है, 3.2 लिख दो चाहे। अब ये तो आपको लगानी पड़ेगी, तुम कहो जी इसको मतलब, हाँ ये तो सजावट के लिए मत लगाओ चाहे। अब ऊपर कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। ये कितने अंक बाद है? 4 अंक बाद। तो कितने ऊपर? 4 अंक। नीचे कितने? 3 अंक। मैं काट क्यों रहा हूं अभी आपको समझाता हूँ। ये 4 अंक है, ये 3 अंक है, कमी किधर पड़ी? नीचे। कितने की? 1 की। तो 1 0 नीचे बढ़ा दो, कट गए ना अब सब, अब कट गए। देखिए ऊपर 20 है, 320 है, 64 है, अगर आप 0 हटा लेते तो फिर नीचे ऊपर 2 ही अंक रह जाते, नीचे 3 अंक, फिर 1 0 ऊपर बढ़ जाती, क्योंकि देखो अब भी तो वो 0 बचे, वो 1 ऊपर बढ़ती, तो समझ बात वही आती है निकल के, है ना। तो अब आप गुना करो ऊपर की, 320 गुना 2 640, और नीचे क्या बचेगा? सिर्फ 64 ही बच रहा है, 10 तो कट ही गया था, 64 से इसको काटोगे फाइनली उत्तर क्या आ गया? 10। इस सवाल का उत्तर 10, कितना सिंपल है, अब आप खुद देखते जा रहे हैं। 9वां क्वेश्चन, इसको देखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए हमने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो पढ़ रखा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। ये किसका फॉर्मूला है जरा एक बार याद कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। आ रहा है ना समझ में? देखिए माइनस का हो फॉर्मूला या प्लस का, ए प्लस बी स्क्वायर तो रहता ही है, बस इससे चेंज होता है। ये प्लस टू ए भी है तो प्लस का है, माइनस टू ए भी है तो माइनस का है ना। चलिए तो 1.9 अब मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, बस इस पूरी चीज को इतना लिख सकते हो आप, तो ये दोनों बात बिल्कुल एक है। तो मैंने इसको ये लिख लिया, अब ए बी के मान रख दिए, 1.9 प्लस 2.1 का होल स्क्वायर। 1.9 और 2.1 को जोड़ सकते, ये देखते ही मुझे लग रहा था कि देखिए 1 और 9 जुड़ के 10 बन जाएंगे, 2, 3, 4 जो देखने में ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, है ना। घटने में तो देखिए 0.2 आ रहा था, वो तो कुछ खास नहीं है, फिर तो 2.2 भी हो सकता था। इनको रखने का अर्थ तभी है, मतलब 1.8 क्यों नहीं है, 1.9 ही क्यों है, ये कहीं ना कहीं जोड़ की तरफ इशारा ये संख्याएं कर रही थी। ऐसे देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा 4 है ना, जोड़ के आएगा क्या, 2 और 1 3 और 1 9 और 1 10 जोड़ के इधर वो 4 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। इस सवाल का उत्तर 16। इसमें आप रखोगे 1.9 का स्क्वायर प्लस 2 × 1.9 × 2.1 प्लस बी स्क्वायर 2.1 का होल स्क्वायर, फिर सबका होल स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे, टाइम लगेगा, ऐसे इसलिए इस फॉर्मूले का आया है ना। तुम इसमें भी रख के कर सकते हो डायरेक्ट मान, पर आप इससे करिए तो आपको चीजें सीख रहे हो ना अभी, तो ऐसा क्यों कर रहे हो फिर जो चीज आपको लंबी तरीके से लेके जा रही है ना। तो 2.89 का होल क्यूब, 2.11 का होल क्यूब प्लस 15। अब ये देखिए होल क्यूब है, अब ये हमें कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, तो दो ही तो संख्या है 2.89 और 2.11, बार बार वो यूज हो रही है। यहाँ 15 आ गया, कैसे आ गया अभी मुझे नहीं पता। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन संख्याओं को देख करके कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग रहा है 89 11 जोड़ के पूरा 1 हो जाएगा, है ना, 89 65 11। तो ये कहीं ना कहीं जोड़ होगा, और ऊपर क्यूब है तो ऊपर हो सकता है क्यूब हो रहा हो, जैसे यहाँ जोड़ होगा, ऊपर स्क्वायर था, कहीं ना कहीं स्क्वायर ही हुआ फाइनली। तो ऐसे ही ये दोनों जुड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, 2.89 2.11, तो 5 का क्यूब, तो आंसर 125 ही आएगा इसका, अभी मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो ऐसे आप इशारे से भी समझ सकते हो सवाल क्या कहना चाह रहा है ना। अगर यह माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो ये 2.89 फिर यहाँ कर देता 1.89, तो फिर 2.89 में से 1.89 जाता, तो फिर वो सीधा सीधा घट जाता, 89 पैसे में से 89 पैसे 1 रुपया बचता उसका क्यूब होता। तो घटाने के लिए तो बराबर ही रखेगा ना दोनों को, इधर भी, ताकि वो पूरा पूरा घटे, लेकिन जोड़ने के लिए ऐसे कर सकता है ताकि वो पूरा पूरा जुड़ के 1 बन जाए। तो आप इस इशारे से उसके से समझ जाया करो कि ये कहीं ना कहीं जोड़ ही होगा। पर चलिए ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ इसको। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रटना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं फॉर्मूला ऐसे बचाता हूँ पहले तो, है ना। पर आपको नहीं मानते हो इसलिए मैं फिर फॉर्मूला ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको कहते हो कि प्रॉपर तरीका आना चाहिए, तो करो या मत करो तरीके से वो तो आपकी मर्जी है। चलिए पर मैं आपका समझाना काम है मेरा तो मैं समझा देता हूँ। देखिए ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई। तुम क्या नहीं, ये तो नहीं लिख रही। ए क्या है, 2.89 का क्यूब लिख रहा है कि नहीं। बी क्या मानूंगा मैं, 2.11 का क्यूब है कि नहीं। प्लस 3ab, अब देखिए 3ab तो ab की तो गुणा ये हो रही a गुणा b। अब 3 कहां गया, 3 का मैं समझाता हूं। ये जो 3 है ना, इसने ये सब गुणा में ही तो है आपस में, a प्लस बी को जोड़ के, a प्लस बी जोड़ोगे दोनों को क्या आएगा, 2.89 प्लस 2.11। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ जोड़ दिया है इसने 2.11 को, ये जोड़ के क्या आएगा 5। तो 5 की 3 में गुणा कर दिए, तो 15 तब बना है ये 15, है ना। और ए बी ये है तो 15 ab ऐसे आ गया है। तो पूरा यही फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब कह दूं मैं इसको, 2.89 प्लस 2.11 का होल क्यूब कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। और ये जुड़ के क्या हो जाएगा 5, 5 का होल क्यूब कह सकता हूं कि नहीं, 125 हुआ कि नहीं, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, देखते हैं, है ना। तो आप भी ऐसे कोशिश करेंगे, ऑप्शन आपको देखते ही मिल जाएगा और आप समझ जाना कि आपका सही है। पर ये फॉर्मूला रटो वटो जैसे भी आप करो, आप कर लेना आपकी मर्जी है, फिर आप जैसे आपका मन करता हो। मैं तो आपको बता ही सकता हूँ भाई ऐसे भी कर सकते हो, है ना।
अप टू 0.289, 0.147 का होल स्क्वायर है, 0.289 माइनस 0.147 का होल, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ फालतू में, आपने देखा होगा ऐसा मैंने पहले चैप्टर में क्वेश्चन कराया है, इसको ए मान के इसको बी मान के और सारा कुछ ए बी में है, तो ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा है शुरू में, आगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा है, आपको याद आ रहा है ना इसका उत्तर क्या आता है, और नीचे ए बी लिख रहा है, अब इन सबको काटोगे इसका होल स्क्वायर खोलोगे और बस उत्तर बचेगा 2, फाइनली आएगा ऊपर 4a, सॉरी उत्तर बचेगा 4, ऊपर 4ab और नीचे ab, तो 4ab बटे ab, ab से ab कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 4, तो फिर और ये चाहे मान कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ रखे हो, इसका उत्तर हमेशा 4 आता है अगर ये इस फॉर्मेट में दिया है तो नीचे ab आ रखा है, लेकिन आजकल क्या करने लगा है नीचे ये इतना कभी कभी ऐड कर देता है, तो फिर इसका उत्तर पता है क्या आएगा, ये 4 एक्स्ट्रा लग गया कि नहीं, ऊपर से 4ab जो आएगा नीचे भी 4ab हो जाएगा, अभी तो ab से ab कटा था इसलिए 4 आ गया था, लेकिन अब 4 से 4 तो 1 आ जाता है, बस ध्यान रखना ये नीचे 4 या 2 तो नहीं दे रखा है, 2 है तो 2 का भाग 4 में दे दो, 4 है तो 4 का भाग 4 में दे दो, है ना, तो फिर उस तरह से आंसर आ जाते हैं। अब मैं 12 क्वेश्चन पे आता हूँ, देखिये ये भी पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, आपने ध्यान होगा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 0.96, 0.96, 0.96 ऐसे लिख रखा है इसने, फिर 0.01 कहना, जीरो देखिए इसको मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि 0.00 लिखूं आगे, तो वो तो सजावट है, वो तो लिखो या मत लिखो, फिर नीचे चाहे कुछ भी दे रखा हो, है ना, मैंने आपको बताया था जिधर तीन तीन की गुना हुई है, तीन तीन बार, नीचे तो दो दो बार ही इनकी गुना करोगे, 0.96 × 0.96 है ना, तो 0.96 की 0.1 में गुना करोगे जो गुना करके दे दिया है ना, 0.1 × 0.1, तो नीचे तो दो दो बार ही गुना है लेकिन ऊपर तीन तीन बार हो रही है, हमें उस तरफ ही देखना होता है कि ये तीन तीन बार किधर हो रही है, ऊपर हो रही है ना, तो ये देखिए फिर जिधर तीन तीन बार गुना हो रही है उधर बीचों बीच एक चिन्ह आता है या तो माइनस का या प्लस का, तो ये क्या आ रहा है माइनस का, किन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच, तो इन दोनों को बस माइनस कर दीजिए 0.1, बस माइनस कर दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटता है ना, तो 6 में से 0 गया, 9 में से 0.86 इसका आंसर हो जाएगा, बहुत लोग अगर जल्दी में घटाना चाहेंगे 0.95 इसको कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, समझ में आ रही है ना बात, भाई 0.96 में 0.1 गया 0.95, 0.95 इसका उत्तर 100% मिलेगा ऑप्शन में, क्योंकि वो आपसे गलती तो करवाना चाहता है लेकिन इसका क्या आंसर है 0.86, समझ में आ गई ना बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगर नहीं समझ में आया इसका डिटेल में पहले चैप्टर में करवा चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हो, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा अभी 12वां हो गया है, देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 125 या 27, सबको दिख रहा है 125 5 का होता है लेकिन ये तीन अंक बाद पॉइंट, तो 0.5, 0.5, 0.5 तीन बार लिखा हुआ है, इनकी गुणा करोगे 0.125 आएगा कि नहीं, 5, 25, 25, 125 एक अंक बाद एक अंक बाद एक अंक तीन अंक बाद ऐसे लगा दिया है, और आगे क्या लिखा होगा दोस्तों इतना तो समझ ही सकते हो कि 0.027 को आप क्या लिख सकते हो 0.3 × 0.3 × 0.3, तो ये अब नीचे मुझे देखने की क्या जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको तीन तीन बार वाली बात ऊपर ही मिल गई है, कई बार ये नीचे मिलती है तो 1/2 करके लिख देता हूँ, तो ये ऊपर ही मिल गई है आपको, तो आप किन दोनों को प्लस करोगे जिनके बीच में प्लस लग रहा है, माइनस होता तो माइनस कर देता, तो 0.5 में से 0.3 आप कैसे घटाओगे 0.2, सिंपल 0.2 कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं 14वें क्वेश्चन पे आता हूं, अब आप इसको देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है 5.32 ऊपर से कहीं ना कहीं कॉमन है कि नहीं है ना, तो अंदर क्या बचेगा 56 + 44, ये दिख रहा है जोड़ 100 हो रहा है, तो वैसे ही दिख रहा था भाई जोड़ेंगे कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे ही, अब ये नीचे क्या है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है याद है ना आपको, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब बीच में गुणा का चिन्ह, तो ऊपर तो हो गया 5.32 × 100 है ना, ठीक है, अब नीचे क्या हो गया इन दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ दो 7.66 + 2.34, इसमें ब्रैकेट में जुड़ जाएंगे और अगले ब्रैकेट में क्या होंगे दोनों घट जाएंगे 2.34,
ठीक है, घटा लेना आप, तो ऊपर क्या जाएगा, 532 की 100 में गुणा करोगे ना, 532 की 100 में गुणा करोगे, दो जीरो न्यू की न्यू आ जाएंगी, दो अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 532 ही हुआ ना फाइनली। ठीक है, नीचे क्या हुआ कि दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा 10 बैठेगा, 7 2 9 और 1 जोड़ोगे यहाँ आ जाएगा 66 34 का। ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही बन जाते हैं ये पॉइंट वाले। तो 7.66 में से ये घटेगा तो ये 5.32 आएगा, तो दिख रहा है ऊपर वाली चीज बनती जा रही है। तो ऊपर 532 नीचे 10 गुना 5.32, इस पॉइंट को हटा दूं तो ऊपर कहीं ना कहीं जीरो लगा हुआ, कितनी, दो, 532 से 532, एक जीरो से एक जीरो, फाइनल उत्तर क्या आ गया, 10। ये आपका आंसर है। तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन लंबी इसलिए लग रही होगी कि ये मैंने जोड़ के भी दिखाया है, मौखिक कर लोगे, 10 सेकंड का सवाल है ये मात्र, इससे ज्यादा का नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब मैं 15 क्वेश्चन पे आता हूँ दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन होगा, वीडियो ज्यादा बड़ी हो ना हो इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड तेज रखी है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है पॉज करिए, दोबारा देखिए, स्लो चलाइए, अपना जैसा मन करे वैसे करिए, है ना, टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो शायद ना मुझे दोबारा सुन सकते हो, ना पॉज कर सकते हो, ना धीमा चलने को बोल सकते हो, यहाँ तो मैं तुम्हारी कमांड पे चलूंगा, जैसे तुम्हारे हाथ कहेंगे, जैसे तुम्हारा दिमाग कहेगा, मुझे वैसे चलना पड़ेगा, पता है ना आपको। चलिए तो अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल है, बस उसमें क्या था, नीचे ab था, यहाँ माइनस कहीं ऐसे लग रहा था, है ना, माइनस, तो उसका तो 4 आता है, इसका भी याद आ रहा है तुम्हें, क्या आता है इसका आंसर, जब नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो इसका आंसर हमेशा 2 आता है, तो इसका भी हमेशा 2 ही आएगा। इसको खोल के देखना आप, ये सब खोलोगे तो 2ab कट जाएंगे, ए स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, दोनों को जोड़ोगे 2 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे के कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचे, है ना। तो इनका ये मान चाहे कुछ भी आ जाओ, ये मान कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मेट अगर सवाल का ये है तो हर सवाल का उत्तर 2 आएगा, चाहे संख्या कुछ भी कर दो। समझ में आ गई बात। चलिए तो अगर इसका डिटेल पे आपको जाना है तो फर्स्ट चैप्टर देख सकते हो संख्या पद्धति का, उसमें मैंने इन सवालों को बहुत अच्छे से कवर किया है। यहां मैं जल्दी इसलिए चलाऊं क्योंकि देखिए पॉइंट में दे दे या पूरी संख्या दे दे, उत्तर तो 2 ही आना है ना, वहां भी बात बताई थी। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस अगर किसी की प्रॉब्लम होते होंगे तो शायद अब नहीं होंगे, पर होंगे कब नहीं, जब आप इनको एक बार अपने हाथ से निकाल लेंगे कॉपी पर, है ना, तब। ऐसा नहीं है जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊं सिर्फ आप उस वीडियो को देख करके और बस ऐसे ही रह जाओ, एक अच्छे से नोट्स बनाइए, एक कॉपी रखिए मैथ की, इन सारे क्वेश्चनों को उस पर लिखिएगा उनके सॉल्यूशन के साथ, और सॉल्यूशन जब भी, क्योंकि हर बार आप वीडियो नहीं देखेंगे, हर बार आप सॉल्यूशन के लिए मेरी वीडियो नहीं उठाएंगे, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप जो है उसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी पे कर लीजिए एक, और बगैर देखे करिए, सबसे अच्छा रहेगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, हो सकता है आपको कभी सॉल्यूशन उठाने की जरूरत ही ना पड़े अगर आपने इस हिसाब से किया है तो। और अगर ये वीडियो देखते रहे, समझते रहे, ऐसे ही निकलता रहेगा, बार बार वीडियो देखते रहोगे बार बार निकलता रहेगा, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो इतनी बात आप मेरी मान लेना, अगर आपको कंपटीशन में बैठना है, क्लियर करना है, मैथ सीखना है, तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैं बोल ना। तो कॉपी वगैरह बना के रखिए, नोट्स बनाइए मैथ के अच्छे से, सॉल्यूशन लिखिए उनके, मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ बुक के हर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो लाइक कर दीजिए, मेरे लिए वो गिफ्ट होता है आपका। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।